नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। खबर हैदरगढ़ बाराबंकी से है। नगर पंचायत सुबेहा के अंतर्गत दिनांक 23 मार्च दिन मंगलवार को ग्राम सभा सराय गोपी में भाजपा के 4 साल पूरे होने पर किया गया बैठक का आयोजन, जिसमें मुख्य रूप से राम सागर मौर्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रेश, ग्राम पंचायत आशुतोष पाल, RS विभाग ब्रजदेव फौजी, संतोष सिंह, प्रधान सराय गोपी, प्रधान जसवंत मौर्य आदि सभी सम्मानित व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए। रामसागर का कहना है कि चारों तरफ BJP की लहर दौड़ रही है, सबके साथ सबका विकास का नारा लगाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो बाराबंकी के साथ हैदरगढ़ से वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। चाय भेजते थे, आज वो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हुए हैं। तो एक ऐसी पार्टी में से हम लोग जुड़े हुए हैं जो राष्ट्र हित का काम सोचती है। हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हाँ, कभी कभी होता है कैंसर का इलाज हो रहा है तो कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी में तकलीफ तो होगी, सर के बाल तो जाएंगे, लेकिन आपका जीवन बढ़ेगा। अभी आप बीमार होते हैं तो जब आपका इलाज शुरू होता है तो इंजेक्शन लगता है, तकलीफ होती है, लेकिन जब उस तकलीफ को सहने के बाद हम एक बहुत स्वस्थ प्राणी बनकर समाज में निकलते हैं। आप सबके श्री चरणों में पुनः निवेदन है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर एक दिशा में बढ़ें और अपने इस गांव को, अपने इस क्षेत्र को, अपने इस समाज को हम सारे लोग आगे बढ़ाएं। सफाई में, शिक्षा में, व्यवसाय में, कृषि में अपने क्षेत्र को अग्रणी करें। राजेश जी अपने बगल के हैं, केला लगाए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि 4 बीघे में उत्पादन क्या रहा होगा। चाचा हमारे राइस मिल लगाए हैं, ये अपने राइस मिल से सिर्फ और सिर्फ चावल ही निकाल सकते हैं, उसके अलावा उसमें गेहूं डाल के आटा नहीं निकाल सकते। हमारा मशीन पे केवल लकड़ी ही चीर सकते हैं, उसमें और कोई दूसरा काम लोहा नहीं चीर सकते हैं। परंतु ईश्वर ने आपको जमीन दी है, धरती माँ दी है। आप एक बगल में गेहूं बोओगे, दूसरे बगल में धान बोओगे, उसी जमीन में, उसी मशीन में, आप उसको मशीन मान लो तो उसमें जो चीज़ आप डाल दोगे, जो भी रॉ मटेरियल डाल दोगे, वो उत्पादन करके आपको वो चीज़ दे देगी। स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे बगल में हो रही है पलिया में, अभी उनको सम्मानित किया गया है जिला स्तर पर। फतेहपुर में अपने श्याम बिहारी यादव जी, जिनसे काफ़ी लोग परिचित होंगे, वो भी खेती कर रहे हैं करीब 300-350 बीघे में। हम लोगों के पास, हमने एक सर्वे किया, सोचा हमारे गांव, हम लोगों का गांव इतना पीछे क्यों है, अपना क्षेत्र इतना पीछे क्यों है। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि 4 लेन 2 किलोमीटर बाद, रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर बाद, आप चाहें तो लखनऊ पहुँच सकते हैं 1 घंटे में। आपके लखनऊ में कितनी बड़ी मार्केट आपको मिली हुई है, बगल में इंडस्ट्रियल एरिया 6 किलोमीटर बाद, फिर भी हम लोग इतना पीछे क्यों हैं। उसके पीछे कारण है कि हम लोग एक सोच में चल रहे हैं। इतनी 90% लोगों के पास 4-4, 5-5 बीघे खेती अपने क्षेत्र में है ना जैसा, पूरे अपने क्षेत्र में 5 किलोमीटर में अगर घुमा दिया जाए तो 80-90% लोगों के पास 4-4 बीघे 5-5 बीघे खेती है। और अगर उसमें हम धान गेहूँ छोड़ के, अगर दूसरी परंपरागत खेती छोड़ के दूसरी खेतियों की तरफ बढ़ें, प्रगत चक्र हम लोग अपनाएं, तो हम लोग अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। हम लोग भी कमा सकते हैं, 4 बीघे से लोग 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या, अभी आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करो, 2-3 साल पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक तरफ से पिपरमिंट लगनी शुरू हो गई थी, एक तरफ से पिपरमिंट लगनी शुरू हो गई थी। मतलब ये था कि एक करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा करेगा तभी तीसरा करेगा, देखिए 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 देखा सारे काम होंगे। लेकिन हम लोग कुछ हटके नहीं करना चाहते, तो क्योंकि मजदूरी हम लोग करते हैं, 8 घंटे किसी के यहाँ जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 200 रुपये मिलता है। आप 8 घंटे अपने 4 बीघे खेत पे काम करो, आप देखोगे कितना अच्छा जीवन स्तर आपका सुधरेगा। आप तमाम सब्जियाँ हो गई, तमाम स्ट्रॉबेरी की खेती हो गई, केला की खेती हो गई, और आप परसों हमारी किसान विज्ञान केंद्र पे डॉक्टर शैलेश जी हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी, उनसे भी हमने इस बात पे बात की कि सर हमारे यहाँ क्योंकि 80%